हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है कि अगर बीवी शौहर को प्रताड़ित करे, परेशान करे, मारपीट करे तो शौहर क्या करे। दोस्तों, यह टॉपिक ऐसा है कि जिसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है, खास करके हमारे देश में जहाँ पर कि पेट्रियार्कल सोसाइटी अर्थात पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था है और लोगों की धारणा है कि किसी भी आदमी को प्रताड़ित परेशान किया ही नहीं जा सकता है, खास करके औरतों के द्वारा। तो जब भी महिलाओं के द्वारा या बीवी के द्वारा प्रताड़ित या परेशान किया जाता है तो शौहर चुपचाप बैठ जाता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है, अंदर ही अंदर घूंटता रहता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि खुद का हारा हुआ और बीवी का मारा हुआ कोई नहीं बोलता, और इसी का बेजा फायदा बहुत सारी पत्नियां उठाती हैं। अपने शौहर को बेलन से मारती हैं घर के चार दीवारी के बीच में, बहुत सारी बातें घर के बाहर नहीं जा पाती है। समाज का भी रवैया शौहर के पक्ष में एकदम ही नहीं रहता है। पुलिस या जो अन्य एजेंसी हैं उनका भी रवैया पूरी तरह से प्रताड़ित हस्बैंड के प्रति, शौहर के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहता है। और जब भी कोई हस्बैंड इस तरह की शिकायत करने थाने पर या कहीं पहुंचता है या समाज में अपने रिश्तेदार नातेदार को बताता है तो लोग उसे मजाक की वस्तु बना देते हैं, और ऐसी स्थिति में शौहर कुंठित हो जाता है। अभी 2 अक्टूबर 2022 को बहुत सारे पत्नी पीड़ित शौहर जंतर मंतर दिल्ली में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने आवाज बुलंद किया कि जिस तरह से महिला आयोग देश में बना हुआ है उसी तरह से पुरुषों के लिए भी आयोग बनाया जाए, और मैं अभी आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। कोई मेंस कमीशन नहीं है जहाँ पे पुरुष आके ये कह सके कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है। अगर एक पुरुष ये कहता है ना कि मेरी बीवी मेरे साथ घरेलू हिंसा करती है, लोग हंसते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल। पर एक बात बताइए, मानसिक प्रताड़ना के लिए आपका बहुत ताकतवर होना जरूरी है क्या? बात वही है कि प्रताड़ना चाहे औरत के साथ हो या मर्द के साथ हो, जो लॉ है, जो संविधान है, वो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, कानून दोनों के लिए बराबरी वाला होना चाहिए। अभी बराबर नहीं है। लगता है कि पुरुष खुद भी इतना जागरूक है, क्योंकि ज्यादातर जब ऐसे केसेस, आपने कहा कि जब किसी पुरुष के साथ ही होता है तो लोग सामने से हंस देते हैं, पुरुष भी हिचकिचाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले पुरुष समाज को जागरूक होने की जरूरत है, खुद अपने लिए हक के मांग करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे हम हमेशा सुनते आए कि पुरुष जो है वो रोता नहीं है ना, लेकिन हरिशंकर परसाई जी ने यह भी कहा है कि पुरुष जब रोता है ना तो वो पत्थर में भी दरार कर देता है। तो अगर आप जिस तरीके से पुरुष महिलाओं के लिए खड़े रहे हैं, वैसे मुझे लगता है कि पुरुषों के साथ, पुरुषों से ज्यादा अगर महिलाएं खड़ी रहेंगी तो उनको भी उसी तरीके का मनोबल बढ़ेगा जैसे कि महिलाओं को बढ़ा। जब पुरुष साथ खड़े हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, इसी तरह कुछ वर्ष पहले दिल्ली में पत्नी पीड़ित संघ नामक एक संस्था का गठन किया गया था। आज की स्थिति में वह किस प्रकार से काम कर रही है लोगों को नहीं मालूम, लेकिन यह स्पष्ट है कि उस संघ को ज्यादा से ज्यादा लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। तो हमारे समाज के उदासीन रवैये के कारण से जो शौहर पत्नी पीड़ित हैं उनकी यह स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई है। आपको मालूम ही है कि महिलाओं के पक्ष में तो 50 से ज्यादा कानून बने हुए हैं, लेकिन पुरुषों के पक्ष में कोई भी कानून नहीं है जिसके आधार पर वह थाने में या कोर्ट में अपना शिकायत पत्नी के खिलाफ में दर्ज करा सकते हैं। तो यह एक बहुत ही विचित्र स्थिति है, तो इसीलिए आज मैंने इस टॉपिक को लिया क्योंकि इसके बारे में लोग चर्चा नहीं करते हैं। दोस्तों, अब यहां प्रश्न उठता है कि क्रुएल्टी, हिंदी में इसको निर्दयता या क्रूरता कहते हैं, या मेंटल हैरासमेंट मतलब मानसिक प्रताड़ना, इसकी परिभाषा क्या है?
तो कानून में इस प्रकार की कोई परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा विभिन्न जजमेंटों में जो आधार लिए गए हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई पत्नी अपने पति के साथ मारपीट करता है, बात बात में उसको झिड़कता है, उसके चेहरे या लुक पर ताना मारता है, मान लीजिए पत्नी गोरी है, पति थोड़ा ब्लैक कलर का है, काला है, तो उस पर भी वह मजाक करती है, अगर पत्नी जानबूझ करके पति के खिलाफ ये आरोप लगाती है कि उसके पति का किसी दूसरे महिला के साथ में अवैध संबंध है, या पत्नी जानबूझ करके पति को यौन सुख से वंचित रखती है, या पत्नी जानबूझ करके किसी दूसरे मर्द के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित कर लेती है, या पत्नी बिना किसी औचित्य के अपने मायके चली जाती है और बरसों मायके में रहती है, पति के बुलाने के बावजूद भी वह मायके से पति के घर नहीं आती है, तो ये सभी जो आधार हैं उसे क्रुएल्टी या मेंटल हैरेसमेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे क्रूरता या मानसिक त्रास या प्रताड़ना की कोटि में आएगा। यह भी हो सकता है कि पत्नी बात बात में पति को डराए धमकाए कि मैं तुम्हें दहेज केस में फंसा दूंगी, झूठे मुकदमा थाने में पति के खिलाफ में दर्ज करा दे, धारा 498 आईपीसी मैंने ताजरात हिंद और धारा 3-4 दहेज प्रसिद्ध अधिनियम के तहत में, और इस अधिनियम के अंतर्गत में हजारों केस शौहर के खिलाफ में इस हमारे देश में कायम किए जा चुके हैं, जिसमें बहुत सारे केस तो फाल्स हैं और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जरूर हमारी वीडियो को देखिए। तो ये सब जो आधार हैं वो सभी मानसिक त्रास की कोटि में आएगा। दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि जो पत्नी पीड़ित शौहर हैं उनके पास कानूनी उपचार क्या है। मान लीजिए कि उनकी बीवी ने उनके खिलाफ में धारा 3-4 दहेज प्रसिद्ध अधिनियम के तहत में मुकदमा कायम करा दिया, थाने में झूठा मुकदमा कायम करा दिया, तो ऐसी स्थिति में शौहर को क्या करना है। पहला कि ऐसी नौबत आए और जो घर में जो इस तरह के वातावरण निर्मित हो गए हैं जहां माहौल दूषित हो गया है, तो सबसे पहले शौहर को नजदीक के थाने जाकर के रोजनामचा साना दर्ज कराना चाहिए और उसमें इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि किस तरह से उसकी बीवी उसे परेशान और प्रताड़ित कर रही है, उसका जीना दुभर हो गया है और वह रोजमर्रा का काम नहीं कर सकता है क्योंकि वह मानसिक त्रास झेल रहा है, उस पर शारीरिक चोट पहुंचाई जा रही है, उसके मां बाप के साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। तो इस सारे बिंदुओं को आप आवेदन पत्र की शक्ल में आप थाना प्रभारी को प्रस्तुत करें और उन्हें कहें कि आप इसको रोजनामचा में दर्ज करें और उसकी एक कॉपी आप अपने पास में रखें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि आपकी बीवी जब थाने में जाएगी आपके खिलाफ में झूठी शिकायतें या मुकदमा दर्ज कराने के लिए, तो थाना प्रभारी चौकन्ना हो जाएगा और वो कहेगा कि नहीं, पहले मैं आपके मामले की जांच करूंगा, उसके बाद ही मुकदमा दर्ज करूंगा। और अगर मान लीजिए मुकदमा दर्ज भी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में थाना प्रभारी के पास में यह सबूत रहेगा कि उस मुकदमा को चार्जशीट ना किया जाए, क्योंकि वो गंभीरता से आपके प्रकरण को लेगा, आप जहां रहते हैं वहां के आसपास के लोगों के बयान लेगा, पूछताछ करेगा, आपके द्वारा और क्या किया जाना चाहिए, आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दें जिसमें कि आपकी पत्नी का जो व्यवहार है
रोजाना व्यवहार वो परिलक्षित होगा जो आपके और पत्नी के बीच में जो बातचीत होती थी उसका भी आप स्क्रीनशॉट और कॉल डिटेल्स और उसका टेप बना के रख लें। ये सभी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपको कोर्ट में काम आएंगे। पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़ा फसाद होता रहता है, लेकिन यह बात आगे नहीं बढ़े इसके लिए आपको करना क्या है कि आप पत्नी के मायके पक्ष के लोगों को बुलाएं और आप अपने पक्ष को लोगों को बुलाएं, आप अपने पड़ोसियों को भी इसमें शामिल करें और बैठका लें, मीटिंग करें कि आखिर समस्या क्या है और उस समस्या को हल करने की कोशिश करें। अगर समस्या हल नहीं होता है और मान लीजिए आपकी पत्नी आपके खिलाफ में झूठा प्रकरण थाने में दर्ज करा देती है तो ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना है? तो जो भी आपने सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए हैं या कॉल डिटेल के स्क्रीनशॉट रखे हैं वो सारे सबूत तैयार करें और जब थाना प्रभारी उस झूठे प्रकरण में चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में प्रस्तुत करता है तो संबंधित कोर्ट में आप धारा 227 सीआरपीसी के तहत में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और उसमें सारे डॉक्यूमेंट आप पेश करें जो आपने एविडेंस तैयार किए हैं और यह बताएं कि इस प्रकरण में कोई भी अपराध नहीं बनता है और अपराध का कोई आधार भी नहीं है। तो अगर जज ये समझेंगे कि इस केस में कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है तो धारा 227 सीआरपीसी के तहत में उस केस को जज साहब के द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। अगर आपके पत्नी के द्वारा झूठा मामला आपके खिलाफ दर्ज कराया गया है अर्थात धारा 498 ताजरात हिंद और 3-4 दहेज प्रसिद्ध अधिनियम के तहत में तो आप काउंटर केस दर्ज करावें कोर्ट में। धारा 182 ताजरात हिंद जो झूठी जानकारी के लिए धारा बनी है, धारा 191 ताजरात हिंद जो झूठे साक्ष्य गढ़ने का धारा है और धारा 506 मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन जिसको कि आपराधिक त्रास बोलते हैं हिंदी में, तो इन तीनों धारा के तहत में आप काउंटर केस अपनी पत्नी के खिलाफ में संबंधित कोर्ट में मुकदमा दर्ज करावें। इसके अलावा आप धारा 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत में अपनी पत्नी के खिलाफ में डाइवोर्स माने तलाक के लिए आवेदन पत्र दे सकते हैं और जिसमें आप धारा 13 में वर्णित क्रुएल्टी मतलब क्रूरता का आधार बता सकते हैं किस तरह से आपके पत्नी के द्वारा आपके साथ में मारपीट किया जाता है, आपको तरह तरह की गालियां दी जा रही है, आपके माता पिता के साथ में गलत व्यवहार किया जाता रहा है, ये सारे सबूत आप तलाक प्रतिवेदन में प्रस्तुत करें और क्रुएल्टी के आधार पर भी आपको तलाक मिल सकता है। अगर आप हिंदू नहीं हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के धारा 27 के तहत में आप क्रुएल्टी के आधार पर मतलब क्रूरता के आधार पर अपने पत्नी से तलाक ले सकते हैं। दोस्तों हमारे देश में प्रतिसत्तात्मक समाज है और यहां पर पुरुषों का अभी भी वर्चस्व है तो हमारा समाज ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई महिला अपने पति के साथ में अत्याचार करेगी, उन्हें प्रताड़ित करेगी, लेकिन यह 16 आने सच नहीं है। हमारे देश में अनेक शहरों में गांवों में बीवियों के द्वारा अपने शौहर को तंग और परेशान किया जाता रहा है। अभी परसों की घटना है इंदौर में जहां पर कि एक व्यक्ति ने 8वें माले से कूद करके आत्महत्या कर लिया और कारण यह बताया जा रहा है कि वह अपनी पत्नी से तंग आ चुका था। तो प्रतिसत्तात्मक समाज होने के कारण से पुरुषों के विक्टिमाइजेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है,
या कोई सोच नहीं पाता है कि पुरुष भी महिला से प्रताड़ित हो सकता है। यह एक गलत रवैया है हमारे समाज का। तो जो भी कानून बने हैं वो महिलाओं के प्रति उसका ज्यादा झुकाव है। अब चूंकि देश की तेजी से तरक्की हो रही है तो अब जेंडर न्यूट्रल कानून की जरूरत है। और दोस्तों धारा 14 में समानता का अधिकार है, धारा 15 में हमारे संविधान में सेक्स के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव करने से मना ही किया गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर सारे कानून महिलाओं के पक्ष में ही होंगे और पुरुषों के पक्ष में कोई भी कानून नहीं होगा तो उसे पुरुषों की प्रताड़ना की रफ्तार बढ़ती जाएगी। और अभी जो इंदौर में जो परसों घटना हुई है वो साफ जाहिर करता है कि किस प्रकार से पति अपने पत्नियों से तंग आकर के आत्महत्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा रहा इस पर आप अपना टिप अंकित करिए। अगर कोई आप नया वीडियो चाहते हैं तो मुझे मैसेज बॉक्स में लिख करके जानकारी दें और मैं उस विषय पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।